फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सिविल स्ट्रक्चरिंग गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने कई वीडियो आपको अपलोड किए हैं सेल्फ फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ऊपर में और स्ट्रक्चर एनालिसिस के ऊपर में और सिविल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, कैंटिलीवर बीम के ऊपर में एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको काफी ये वीडियोस मदद करेंगे, तो आप इस सीरीज को देख ले। ये इसमें 7 केसेस आपको हम देंगे जिसमें कैंटिलीवर, तो ये 7 केस को हम आपको एक एक करके आपको सारे को हम एनालिसिस बताएंगे। और मुझे उम्मीद है कि एक मेरा छोटा सा प्रयास आपको बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानने में मदद करेगी एंड यू विल डेफिनेटली बेनिफिटेड फ्रॉम माय दिस सीरीज। तो आपसे आग्रह है, प्लीज शेयर योर लाइक्स, कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू विल गेट टाइमली नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई पुट सम यूजफुल वीडियो टू यू। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में आप बने रहे। केस 1 आप देख लीजिए, एक कैंटिलीवर बीम है और यहां एक डब्लू पॉइंट लोडिंग है, ओके, और इसकी लेंथ एल है। तो फाइंड एसएफडी एंड बीएमडी। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक एनी सेक्शन एक्स एक्स एट प्लस एक्स, टेक इन एनी सेक्शन एक्स फ्रॉम डिस्टेंस डिस्टेंस एक्स फ्रॉम डब्ल्यू, ओके, लोड। तो कोई भी हम एक एक्स डिस्टेंस पे कोई सेक्शन ले लेंगे, सपोज दिस सेक्शन इज एक्स एक्स, और हम देखेंगे कि एक लॉजिकल फॉर्म में इसकी शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगी। तो दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे कि शियर फोर्स हम निकालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, आप यहां पर जब सेक्शन लिया, हम यहां पर टैग दिस सेक्शन, तो इसमें क्या होगी, ये दिस इज गोइंग डाउन, तो इसमें हमारी एसएफ जो होगी ये पॉजिटिव होगी। कोई भी शेयर जब सेक्शन लेंगे और उसकी राइट साइड वाली जो सेक्शन होगी अगर डाउन हमारी आ रही है, तो उस केस में ऐसे पॉजिटिव होगी। तो पहले हम शेयर फोर्स निकालेंगे, शेयर फोर्स क्या होगी, शेयर फोर्स इज द समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एट एनी सेक्शन आइदर लेफ्ट और आइदर राइट। और शेयर फोर्स क्या होती है, शेयर फोर्स इज द इंटरनल फोर्स डेवलप ड्यू टू लोडिंग। और शेयर का मेन काम क्या होती है, वो सेक्शन को ट्रावर्सली अगर तो स्पीड अप करता है। अगर कोई सेक्शन अगर ऐसे आ रही है, अगर यहां पर लोडिंग देंगे तो सेक्शन को स्पीड अप करके स्पीड अप करेगा लाइक दिस। तो जो इंटरनल फोर्सेस जो डेवलप होती है, जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस जो वर्टिकल फोर्सेस होते हैं और डाउनवर्ड जब भी सेक्शन पर हमें आती है, तो उसमें क्या होता है, ये शियर फोर्स इंटरनली जो डेवलप होती है टू रिजिस्ट द क्रशिंग ऑफ द बीम, दैट इज कॉल्ड द शियर फोर्स। तो ये क्या हो गई, किसी भी सेक्शन के अगर हम लेफ्ट में ले या राइट में ले, ये क्या होती है, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स। तो इस केस में हमें देख लीजिए क्या है, यहां पर एक डब्ल्यू है और क्या है, डब्ल्यू अगर इस सेक्शन के राइट साइड में ले तो वो नीचे की ओर आ रही है। तो व्हेन द सेक्शन इज गोइंग डाउन,
देन दिस हैपेंड पॉजिटिव एसएफ। ओके, तो इसमें क्या होगा, यहां अगर डब्ल्यू है अपना, तो सेफ फोर्स के लिए जस्ट एक लाइन खींचेंगे और क्या करेंगे, ये डब्ल्यू है। ओके, तो डब्ल्यू लिख देंगे यहां पर, दिस इज डब्ल्यू, प्लस में आएगी, और चूंकि यहां से यहां कोई लोडिंग नहीं है तो ये कांस्टेंट आएगी, और यहां भी ये एंड में भी जो भी W है वो W ही रहेगी, और ये पॉजिटिव होंगे SF। ओके, तो कैंटिलीवर बीम के लिए आपने देख लेना। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट इसकी क्या होगी, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ये होता है किसी भी सेक्शन को जब फोर्स और डिस्टेंस जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब कहीं भी लोडिंग किसी सेक्शन पे होती है तो इसका क्या काम होता है, ये दो फंक्शन होते हैं, एक शियर होती है लोडिंग के बाद में वो उसको क्रस करना चाहेगा तो उसमें एक शियर फोर्स डेवलप होगी, और नेक्स्ट उसमें क्या होगा, बेंडिंग होगा, और फाइनली ये अगर बेंडिंग लेने की क्षमता इसमें नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, बिल्कुल ओवरटर्न हो जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है, इट इज प्रैक्टिकली इट इज वर्क डन बाय दिस लोड, वर्क डन मीन्स फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये होती है वर्क डन। तो ये मोमेंट निकालने के लिए भी हमें फोर्स इनटू डिस्टेंस की जरूरत होती है। तो लेट हम कोई एक सेक्शन एक्स ले लिए, तो सेक्शन एक्स पे क्या होगी, सेक्शन एक्स ले लेते हैं, सेक्शन एक्स बीएमडी के लिए देख लीजिए, तो ये क्या है, यहां पर सेक्शन एक्स पर क्या है, ये डब्ल्यू है और ये एक्स हो गई, तो एमएक्स मींस बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स ऑफ द बीम, और ये डब्ल्यू अगर यहां पर लोड है, ये डिस्टेंस है, तो इसकी बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, डब्ल्यू इंटू एक्स। अब देखिए ये इसकी प्लस होगी या माइनस होगी, इसको ध्यान देना है। तो चूंकि ये अपना ये इस तरह से जा रही है, देन इट विल क्रिएट माइनस होगी मोमेंट, तो ये माइनस लिख देंगे हम लोग होगी मोमेंट, बट दिस इज द बीम और एक इस तरह से जा रही है डब्ल्यू मोमेंट, तो क्या होगा, एक कपल भी जनरेट होगा इस तरह से, और दिस विल अल्टीमेटली क्रिएट होगी। तो जब भी होगी मोमेंट होती है हमारी, होगिंग मोमेंट, देन इट इज द नेगेटिव बीएम। तो अगर एक्स पर हमें अगर डब्ल्यू एक्स मिल रहा है तो हम ए पर क्या होगा, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट एट ए, तो वही है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ऑलरेडी हमें मिला हुआ है डब्ल्यू एक्स, तो यहां पर क्या होगा, तो नेगेटिव ही होगी, एम ए लिख दीजिए बेंडिंग मोमेंट ए, और नेगेटिव होगी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू ही है, और एक्स एक्स मीन्स यहां पर एक्स विल बिकम एल, तो ये हम ए लिख देते हैं, देन बेंडिंग मोमेंट एट ए विल बी माइनस डब्ल्यू इंटू एल, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो डब्ल्यू इंटू एल आपकी बेंडिंग मोमेंट हो गई। या उसके बाद में इसका कैसे निकालेंगे हम, इसका अगर एक इस तरह से दे दीजिए, तो ये ए हो गई या बी हो गई, और ये यहां से यहां हमेशा एंड में, फ्री एंड में हमेशा, चूंकि यहां पर फोर्स इन डिस्टेंस क्या होगी, इस पर जीरो, तो एंड में यहां पर कोई भी मोमेंट यहां पर कुछ भी नहीं है, जीरो ही होगी यहां पर हर हाल में, तो यहां पर जीरो ले लेंगे, और ये क्या होगा, ये लीनियर कॉन्स्टेंट लीनियर होगा, और ये जो डब्ल्यू एल मिला हुआ है अपना, ये डब्ल्यू लिख देंगे हम लोग, और बिल्कुल ये लीनियर होगा ऐसे, और यहां पर माइनस लिख देंगे, तो ये हो गई बीएनडी, आप इसको ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल हम बना लेते हैं इस पे, तो थोड़ा सा और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो हमें शेयर फोर्स में तो देखा कि डब्ल्यू ही होगी बिल्कुल, जो कि हमेशा पॉजिटिव में आ रही है, और बेंडिंग मोमेंट के लिए हो गई डब्ल्यू इंटू एच, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसी तरह
हम एक एक करके देखेंगे, सभी केसेस को एक एक करके देखेंगे। सब फाइंड एस एफ प्लस बीएम दोनों ही निकालने हैं। सेफ और सेफ, ये केस है आपकी, ये देख लीजिए ऐसे है, और ये अगर 5 है और 10 किलो न्यूटन एक फोर्स है। ओके, दिस इज द वेरी सिंपल केस नंबर वन ऑफ माय सीरीज। तो आप देख लीजिए इसमें क्या होगा, ये एसएफ क्या होगी, इट इज अ समेशन ऑफ, जैसे बताया मैंने, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस आइदर लेफ्ट और आइदर सेक्शन। तो हमें एक सेक्शन यहां कर लिए। ओके, अब देखिए ये दिस साइड इज गोइंग डाउन। ओके, तो ये आपका, ये आ गई आपकी पॉजिटिव एसएफ। ओके, तो यहां पर लिखेंगे, पहले ऐसे बना लेंगे, और यहां पर क्या होगी, सिंपल डब्लू होगी पॉजिटिव। तो डब्लू मीन्स 10 किलो न्यूटन एसएफ हो गई, और चूंकि बीच में यहां कोई भी लोडिंग नहीं है, इसीलिए जो 10 किलो न्यूटन लोड हो रही है अपना, ये बिल्कुल कांस्टेंट आएगी। जैसे हमने देख लिया है, ये डब्लू के बराबर आएगी और ये पॉजिटिव होगी एसएफ, ये हो गई अपना एसएफडी। ओके, नाउ कम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसकी क्या होगी। तो ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ओके, टैग टेकन मोमेंट अबाउट ए, आप निकालिए क्या होगी। मोमेंट अबाउट ए आपको हमेशा लिखना है एम बी इक्वल टू 0 एट फ्री एंड। ओके, फ्री एंड में 0 क्यों होगी भैया, इसीलिए 0 होगी चूंकि हियर इज द, इसके आपके इस साइड में तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस यहां पर 0 होगी इस जगह, क्योंकि इसके राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है, लोड नहीं है। ओके, तो जब भी हम मोमेंट लेते हैं तो फोर्स एंड डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो चूंकि एंड पे फ्री एंड पे हमेशा कैंटिलीवर में 0 होती है, हमेशा याद कर रख लीजिए। तो यहां पर 0 हो गई, तो हम यहां पर ड्रा भी कर लेंगे। ओके, एक लाइन कर लेंगे ए बी, ये 0 हो गई, और एम ए क्या होगी, लोड एम ए मीन्स जब इस तरह से जब आ रही है, तो ये क्या होगी, ये माइनस होगी, मोमेंट देगी आपकी, तो यह माइनस लिखना है, और 10 इंटू यहां से यहां क्या डिस्टेंस हो गई अपना 5, तो 5 लिख देंगे, तो 50 ये हो गई किलो न्यूटन, और 5 मीटर में है, तो इसकी हो गई किलो न्यूटन मीटर, इसकी यूनिट होती है नेगेटिव। और ये क्या होगी, हमेशा ये बेंडिंग मोमेंट क्या होगी कि ये लिनियर कांस्टेंट होगी, इस तरह से आएगी लिनियर, और ये होगी जैसे डब्ल्यू एल हमने बनाया था, तो ये अपना यहां पर सिंपली 50 किलो न्यूटन मीटर लिख दीजिए, और इसको यहां पर माइनस साइन दे दीजिए। यहां पर लिखना मत भूले कि बीएमडी है, एसएफडी ये भी लिखना जरूरी होती है, क्योंकि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये क्या है, ग्राफिकल मेथड है। इस ग्राफिकल मेथड से हम किसी सेक्शन पर ये कितना इसकी शेयर फोर्स है या बेंडिंग मोमेंट हम निकाल सकते हैं, ये क्या है, जिसके ये ऑर्डिनेट है, यहां पर कितनी होगी, तो हम अपना कोई अगर स्केल से बढ़ा रहे हैं तो हम कह देंगे कि डब्ल्यू है, उसी पर यहां पे 0 है, जैसे जैसे बढ़ते जा रही है। तो आप, हमने इस डायग्राम से हमने देखा, जो स्ट्रक्चर इंजीनियर के काम में आते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस के काम में आते हैं, कि इससे हमें क्या मिला, इसे यही मिला कि जो शियर फोर्स होती है ये कैंटिलीवर में विद द पॉइंट और एट द एंड, ये क्या होती है, बराबर होती है डब्ल्यू के बराबर शियर फोर्स। तो इसका यह अर्थ हुआ
कि जब भी अगर हम कोई बीम देते हैं, बीम बनाएंगे सपोज 450 बाई 250 का अगर बीम बनाए, कोई कैंटीवर बीम बनाए सपोज, तब हम अगर हमें अगर इसकी जानकारी है एक पॉइंट और यहां पर कलम खड़ा कर दिया किसी बीम के ऊपर में, तो यहां पर जो सपोर्ट होगी वहां पर क्या होगा, जब भी हम रिंग देंगे जो मेन बीम में क्या फंक्शन होती है रिंग की, जो स्ट्रेस देते हैं टू टैक द शियर फोर्सेस, तो इसमें हम इनफॉर्मली देंगे बिल्कुल बीम में हम जब भी बीम होगी आपकी तो इसमें हम बिल्कुल इनफॉर्मली देंगे ये स्ट्रेस हो गए स्ट्रेस ओके, तो ये इंडिकेट करता है अपना। अच्छा डायग्राम से ही हमें सब आइडिया हो जाती है कि इसकी क्या सेक्शन होनी चाहिए, रेनफोर्समेंट क्या होनी चाहिए। अब देखिए जैसे कि आपने ये बीएमडी बना दिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अब ये क्या है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, तो नेगेटिव बेंड क्या है, जैसे यहां पर एंड पे जीरो है और धीरे धीरे इसकी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट यहां बढ़ती जा रही है जो कि सपोर्ट पर बहुत ज्यादा हो गई बेंडिंग मोमेंट। ओके तो बेंडिंग मोमेंट के लिए बेंडिंग मोमेंट क्या होता है जनरली, वो क्या होता है किसी चीज को इस तरह से जब लोड पड़ रही है तो ये ऊपर की उठाएगा, होगिंग करेगा होगिंग, तो होगिंग के लिए क्या होगा हमें सबसे ऊपर में जो होगा उसका टेंशन होगी। ओके सबसे ऊपर में हमें टेंसाइल फोर्स मिलेंगे उसके नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट में, तो इसमें जब कैंटिलीवर जब हम बनाते हैं सपोज इसकी क्या इसकी यूजफुलनेस है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये जानकारी आपको देना चाह रहे हैं, जो नेगेटिव बेंडिंग में जैसे हम जानकारी हो गई तो हमें इसका यह अर्थ हुआ कि इसकी इसकी टॉप में रेइंफोर्समेंट होंगे इसके, क्योंकि ये होगिंग हो रही है ऐसे हो रही है। ओके तो क्या है बॉटम में कंप्रेशन हो गई कंप्रेशन और इसकी इसकी टॉप फाइबर में क्या हो गई टेंशन। ओके तभी तो हमें नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिला, तो इसके लिए क्या करेंगे ऊपर में हम जो स्टील जो होते हैं बी में हमेशा कैंटिलीवर में आप देखना ऊपर में मेन स्टील हम ऊपर में देते हैं। ओके ये हो गई हमारी इंटरप्रिटेशन फॉर द स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, और हम बीम में ये कितना रेइंफोर्समेंट दे क्या दे ये हम अपना आइडिया निकाल सकते हैं, क्योंकि आप एंड अगर कोई इस तरह के बीम है मान लिया एक लंबा सा बीम है सब इस तरह से बीम है। ओके तो अब देखा है कि बीम के जैसे यहां पे बेंडिंग मोमेंट बिल्कुल कम है, तो यहां पर मान लो कि एंड में हम जो बार होते हैं रीबार होते हैं उसकी हम एरिया कम रखेंगे और जैसे जैसे और थोड़े दूर पर जैसे जैसे बेंडिंग बढ़ रही है हम एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार बढ़ा देंगे, जो लंबा वाला बार होती है मान ली कि अगर एंड में दे रहे तो और आगे बढ़ा के 3-4 कर देंगे, क्योंकि इसकी बेंडिंग मोमेंट जो होती है वो धीरे धीरे क्या हो रही है बीम की सपोर्ट की तरफ बढ़ रही है। तो जितने कोई भी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में क्वालिफाई करने के लिए अच्छा डिजाइनर बनने के लिए हम स्ट्रक्चर एनालिसिस ये जो पार्ट है ये ही मेन पार्ट है, बाकी डिजाइन तो हम आसानी से कर लेते हैं, जब तक एनालिसिस आपकी सही नहीं होगी यू कांट डू डिजाइन। तो दोस्तों मेरे उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप एक लाइक और सब्सक्रिप्शन अपना देना मत भूलना, मेरे सभी नए फॉलोअर से नए सब्सक्राइबर से आग्रह है कि मेरे वीडियो पे बने रहें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो थैंक यू दोस्तों, गुड लक, जय हिंद। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या क्लिक कीजिए।